सही भाव करी श्रोत तरी पावई पारु। इस दोहे के रचनाकार का नाम देवसेन है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से राजा सासानी भाषा को जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। एक नार पिया को भानी, वंता को सगरा जो पानी। यह पंक्ति ब्रजभाषा की है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। रानी केतकी की कहानी, ये हमारी खड़ी बोली भाषा में लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी की भाषा को खड़ी बोली भाषा कहा जाता है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चरणों में नाम दिया गया है पिंगल भाषा। प्रेमचंद्र की एक रचना पंचमरमेश्वर, उसके अलावा जो रचनाएं हैं गोदान गबन और बूढ़ी काकी, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, उसकी मैं लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बांगरू बोली खड़ी बोली से इसका निकट संबंध है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत के महाराष्ट्र और गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि, इन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है। इनमें से मिश्र बंधु इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों की सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक के लेखक का नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा ने। प्रेम लक्षणा भक्ति जो थी उस भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है। जैसे हर एक भक्ति शाखा की कोई ना कोई मुख्य आधार होता है, तो जो श्री कृष्ण जी की भक्ति शाखा थी उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति की जाती थी। उसमें जो भी लक्षण होते थे वो प्रेम से झलकते हुए, वो चाहे गोपियाँ उनसे प्रेम करती हों, चाहे वो रस खान जी उनसे प्रेम करते हों, चाहे वो मीरा का प्रेम हो, चाहे राधा का प्रेम हो, तो उनकी भक्ति में जो मोस्टली दिखाया गया वो प्रेम का ही वर्णन किया गया है। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हमारे कबीरदास जी थे। हंस जवाहिर रचना कासिम शाह सूफी कवि द्वारा रची गई थी। हंस जवाहिर रचना जो है वो कासिम शाह, ये सूफी कवि थे, इनके द्वारा रची गई है। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजो ना लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ नाभादास द्वारा सृजित हैं। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता जो हमारे नाभादास जी कवि हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार ने अपनी इतिहास ग्रंथों में किया है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ अप्रिय लगना होता है। ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पे, जिनका अर्थ भी साथ में दिया गया है, और आप इसको पढ़ते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में रिवाइज करने के लिए। जैसे आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उस टाइम आप इसे उसकी इमेज लिए हुए हैं स्क्रीनशॉट के रूप में, तो आप कहीं भी हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। आँख का किरकिरी होना, इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना। जैसे हम कहते हैं वो तो तुम्हारे आँख में किरकिरी हो गए हैं, तुम्हारे आँख की किरकिरी हो गए, मतलब तुम्हारी आँखों में वो चुभ रहे हैं,
ऐसे अप्रिय लग रहे हैं, जैसे कुछ घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में तो हमें बहुत अप्रिय लगती हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं हमारे आँखों की किरकिरी है। लाल पीला होना, इसका अर्थ होता है क्रोध करना। जब कोई इंसान क्रोधित होता है तो आप उसके फेस को देख सकते हैं और आप खुद भी बता सकते हैं कि वो बहुत क्रोधित है, क्योंकि चेहरा लाल पीला होने लगता है। पीला हो ना हो, लाल जरूर होने लगता है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे नाटककार और एक ऐसे कवि हैं हिंदी के, जिन्हें मतलब अपने नाटकों के लिए उन्होंने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे, मतलब बिना रंगमंच के किसी नाटक को परफॉर्म कर पाना या फिर मतलब कहानी रूप में या नाटक के रूप में लिखना, वो थोड़ा टफ टास्क है। तो फिर भी उन्होंने ये काम करके दिखलाया है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक असंभव कार्य को संभव किए हैं। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। बिहारी किस राजा के राज दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जय सिंह के। बिहारी जो थे वो जयपुर नरेश जो थे जय सिंह जी, उन ये राजा थे जय सिंह जी, और उन्हीं के दरबारी थे बिहारी जी। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। ये आप देख सकते हैं, वो जो राम सलाका आती है, मतलब छोटी वाली रामायण, उसमें आप देख सकते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली दी गई है, उसमें राम सलाका करके, उसमें मतलब छोटी छोटी चौपाइयों के मतलब एक एक अक्षर लिखे हुए हैं उसमें, आप देखेंगे जाके। उसमें लोग मतलब ऐसे पॉइंट रख के अपना देखते हैं कि मतलब अपना भविष्य उसमें, इस तरीके से आप भी देख सकते हैं अगर देखना चाहते हो तो। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता मिली है, तो रामचरितमानस में वैसे भी श्री राम प्रभु जी की भक्ति की गई है, तो उसमें वैसे भी हम कह सकते हैं कि भक्ति रस की ही मान्यता मिली है, ऐसे भी हम बता सकते हैं बिना पढ़े भी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? ये ऐसे एक आलोचक थे मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न इन्हें कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले इस बात को मतलब जगह दी है, इस विवाद को जन्म दिया है कि देव बड़े हैं कि बिहारी। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर कविता के स्नातकोत्तर कक्षाओं में पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? श्याम सुंदर दास्य साहित्य आलोचना जो श्याम सुंदर दास जी थे, उन्होंने मतलब हिंदी ग्रंथ में साहित्य आलोचना एक ग्रंथ इन्होंने लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था, कि मतलब इन्होंने प्रयास भी किया और प्रयास भी सफल रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी के सूर, तुलसी, जायसी इन तीन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। मतलब एक ही लोग हैं रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने त्रिवेणी में तीन कवियों, तीन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। वो तीन महाकवि कौन कौन है? सूरदास जी, तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी जी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, कबीर हैं। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्माल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ये तो सूरदास जी की ही हैं, ये तो हम बचपन में भी पढ़े हुए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दा तासी है। पद्मावत किसकी रचना है? ये लोग, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। बैताल पच्चीसी के रचनाकार सुरति मिश्र हैं। लहरे व्योम चूमती हैं, व्योम मतलब आकाश से संबंधित है। लहरे व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचनाकार से? कामायनी।
जयशंकर प्रसाद जी की दो बहुत बड़ी रचनाओं में एक कामायनी है, दूसरी का नाम आंसू है। और ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, और बहुत बड़े कवि, जाने माने, मतलब हिंदी के जाने माने कवियों में छायावादी युग के ये छायावादी कवि हैं। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसमें से उनकी रचनाएं कामायनी, आंसू, इनमें से मतलब कुछ पंक्तियाँ, और ये किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं। संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग भी इन्होंने किया है, तो इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में। इनका नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय है, अज्ञेय जी का पूरा नाम। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान में किस पात्र द्वारा कहा गया है? महतो। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गोदान किसकी रचना है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गबन, गोदान, बूढ़ी काकी, ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंद गुप्त नाटक की किस पात्र का है? देवसेना। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों किसी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी, यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इन्होंने त्रिवेणी में तीन महाकवियों की समीक्षाएं की थी। वो कौन कौन से थे? तुलसी, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। और ये कहाँ पे इन्होंने समीक्षाएं की थी? त्रिवेणी में, तीन महाकवियों की। ठीक है। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास, और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है, यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इस कथन को दो बार पढ़िएगा। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। इस वाक्य को आप दो बार जब पढ़ेंगे तो आपको इस बात से अनुभव होगा कि इंसान मतलब खुद ही अपने सारे विधान, सारी रचनाएं करता है और अपने रचे हुए विधान को स्वयं ही बदलता है। तो इसमें मतलब एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में कहा गया है। इसमें आप मतलब जान सकते हैं कि मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास। मतलब हम मनुष्यों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर गलत बात में भी विश्वास हो गया तो हमें सही ही लगता है, तो यही चीज़ होती है। तो इसलिए सही बातों में विश्वास करना सीखिए। वीरों का कैसा हो बसंत, कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये रचयिता जो लिखा हुआ है इसका हमारे मतलब हिंदी वर्तनी में भी पूछा जाता है कि रचयिता, 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 इसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं रचयिता, ताकि आपकी वर्तनी सही हो जाए। वहाँ कोई ये नहीं पूछेगा आप कैसे पढ़ के आए थे, वहाँ आप अगर अपने क्वेश्चन का आंसर सही टिक करके आएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। रचयिता हो गया, कवयित्री हो गया, इन सब के मतलब वर्तनी में भी आते हैं, इन्हें शुद्ध करने के लिए। आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, अभी मैं आपको ऊपर बताई थी कि आंसू, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं और ये छायावादी युग के महाकवि थे, महाकवि ही कहा जा सकता है, कवि भी आप कह सकते हैं। ये देखिए, सही वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, आपको समास के क्वेश्चन दिए गए हैं। पंचवटी कौन सा समास है? दिगु। ये एक मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर कह सकते हैं, वही सॉल्व किया हुआ है मैंने और वही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है निः प्लस उत्तर। रामचरित मानस में कितने कांड हैं? ये अगर आप रामचरित मानस पढ़े होंगे तो उसमें 7 कांड हैं, बाल कांड से लेके पूरा मतलब सारे कांड मिला के लौकुश कांड तक 7 कांड दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? हरिशंकर परसाई।
शुद्ध शब्द क्या है, ये देखिए कवयित्री, अभी मैं आपको ऊपर बता रही थी। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है, ऐतिहासिक। नवनीत शब्द का सही अर्थ मक्खन है। नवनीत शब्द का सही अर्थ आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा मक्खन, क्योंकि हम कभी मक्खन टिक करके आएंगे ही नहीं पेपर में, क्योंकि नवनीत हमें नया से रिलेटेड लग रहा है कि नवनीत मतलब कुछ नया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मक्खन भी होता है। प्राचीन का विलोम देखिए अवारचीन, मनुष्यता का विपरीतार्थक बर्बरता। किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। जिसका जन्म ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं, अजन्मा, जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो। कौन सा वाक्य शुद्ध है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, इसमें कितने कांड होते हैं, सात। कनक कनकति सौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, यमक। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है उर्दू भाषा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ है, 1826। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है, बनारस अखबार। गाथा, गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, प्राकृत। ये संस्कृत से निकल के सारी भाषाएं आई हुई हैं, तो गाहा, गाथा, इन सबको जब हम कहते हैं तो लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, वो हमारी प्राकृत भाषा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र जी हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। या आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें ब्राह्मी लिपि का वर्णन दिया गया है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है, संस्कृत। संस्कृत में से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, अमीर खुसरो। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड। हमारे यहाँ 29 राज्य हैं ना, तो 29 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य ऐसा है, नागालैंड, जिसकी राजभाषा भी अंग्रेजी है। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं, रीत काल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन की पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का इतिहास। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस। अवधी भाषा में ये लिखा गया है रामचरितमानस, फिर संस्कृत में भी लिखा गया, हिंदी में बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद आपको मिल सकता है। तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना जाता है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह सामान्य किसी इतिहासकार की रचना है, यह मान्यता किस इतिहासकार की है। किस कालखंड के भीतर किसी जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है, यह मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। केरल राज्य की राजकीय भाषा मलयालम, ये भी जानना जरूरी है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। हिनी लख को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया, 26 जनवरी 1965। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी।
कौन सा भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। निम्नलिखित में से किस भाषा में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत। भारत में तो आप जान ही सकते हैं, विविध तरह की भाषाएं, विविध तरह के भेष, हर चीज़ में विविधताएं हैं, पर अनेकता में एकता भी भारत में ही देखने को मिलती है। अंगेल खजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। यहाँ अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। इन्हें हम अंग्रेजी भाषा मतलब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक भी कहते हैं। ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। हिनी लक्ष साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो मिस स्पेल्ड हो गया है, मतलब आप कह सकते हैं वर्तनी वहाँ पे शुद्ध नहीं दी गई है, तो वो वीर गाथा काल, वहाँ आचार्य शुक्ल है। हिनीलक साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है, ये एक मुहावरा है, आसमान पर चढ़ाना, जैसे कहते नहीं चने की झाड़ पे हमने प्रशंसा करके आपको चढ़ा दिया, उस तरीके से लाड मैक इसका अर्थ है, सॉरी, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई, कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी, शिव बावनी के रचनाकार भूषण, बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? मतिराम। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सत्सई। वीर गाथा काल के कवि नहीं है, नामदेव। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पल्लव की रचयिता हैं सुमित्रा, पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिनीस में किसने लिखी है? हिनीस नहीं, यहाँ हिंदी होनी चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उत्तंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। पेवा मचन दव के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ कौन सी रचना के लिए? उर्वशी। उर्वशी रामधारी दिनकर जी की बहुत ही फेमस रचना है, आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा कि उर्वशी किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल सागर, अमृतलाल नागर, सॉरी। संस्कृत के चार अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भू प्रात पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। निराला के राम तुलसी दास के राम से भिन्न और हैं और भावभूति के राम के निकट हैं। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सारत्व तो समाहित है, जागो फिर एक बार और तुलसी दास। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली सरण गुप्त। मैथिली सरण गुप्त की सबसे फेमस रचना भारत भारती। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रस मीमांसा रस सिद्धांत की से संबंधित पुस्तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, यह पंक्ति
इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी हैं, क्योंकि यह पंक्ति जो है रामायण से उठाई है। साँच बराबर तप नहीं जोट बराबर ताप, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कबीर दास जी इसके रचनाकार हैं। अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास जी हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के। हिनी लस का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। हिनीदास पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेश अवस्थी। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छतीक सगड़ी बोली है पूर्वी हिंदी। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? परख। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। कामायनी जो है ये एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। कामायनी और आंसू, जयशंकर प्रसाद जी जो छायावादी कवि हैं और छायावादी युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। प्रवर्तक मतलब जनक से आशय है। ये इनकी दो रचनाएं आप जरूर याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी जो कि एक महाकाव्य है और आंसू। गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी लाल जी ने किया है, एक कवि हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की स्थिति का काल रहा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरी भूत अपभ्रंश को अवहट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? सुनीत कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन। अर्धमागधी अपभ्रंश में इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? बंगाली। अर्धमागधी अपभ्रंश में बंगाली भाषा का विकास हुआ है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था हिंदी व्याकरण। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक, जैसे कुछ लिपियाँ ऐसी भी होती हैं जो अज्ञात टाइप की लिपि, जैसे ब्राह्मी लिपि, इन सब में मतलब कहीं कहीं आप पढ़ेंगे अज्ञात लिपि, तो इस तरीके से आप जब हिस्ट्री का भी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। वैसे देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है, इसमें मतलब जो अक्षर हैं उसे हम स्पष्टली पढ़ सकते हैं। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिससे अवहट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ हो। कीर्तिलता। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बाहरी उपशाखा में रखा है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा। ये दो बार हम पढ़ चुके हैं इसी टेस्ट में, तो आप सोच सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न में से कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। जैसे है हमारा यमक अलंकार के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय ईखाए बौराय जब उपाय बौराय। तो एक कनक का अर्थ सोने से है और एक कनक का अर्थ धतूरे से है, तो शब्द तो एक ही होगा पर उसी शब्द की, देखिए जहाँ शब्दों शब्दांशों और वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो। जैसे एक ही शब्द दो बार आया पर उसके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो सोन। इसमें पानी का भी दो अर्थ है, एक पानी तो हमारा जल से रिलेटेड है और एक पानी का अर्थ है हमारा इज्जत, तो इसमें भी हमारा यमक अलंकार है। ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं यमक अलंकार के, तो इन्हें आप दोनों को याद रख के और आप ये चीज़ बता सकते हैं कि वाक्यांशों की आवृत्ति तो होगी परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। ऐसा एक ही अलंकार है यमक अलंकार और एक अलंकार हमारा है अनुप्रास,
उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। यमक अलंकार के बारे में अभी आप जानिए, मैं बाकी अलंकार के बारे में आपको आगे बता दूंगी। गीला कहानी के लेखक